अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, अवामी नौइयत के मामलों और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और हमेशा से ये कोशिश रही है कि एक आम आदमी का जो मसला है उसके ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। सियासी हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, इसके अलावा मौशी सूरत हाल हो, समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, तमाम ही मामलात पे कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में सुबह के वक्त गुफ्तगू करें। इस वक्त जो सूरत हाल है बिलखसूस शहर कराची की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मसाइल की जो नौइयत है वो कम बेश एक जैसी पूरे पाकिस्तान में है। ख्याल ये कि अब पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहर बिजली की लोड शेडिंग से जो है वो महफूज नहीं है, और तमाम ही इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, और कहीं दौरानिया जो है वो 10 घंटे का और कहीं 12, 14 और कहीं इससे भी ज़्यादा है। बहरहाल बात हो रही थी शहर कराची के हवाले से, तो यहाँ भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है सुबह से लेकर शाम तक, और घंटों घंटों की लोड शेडिंग और इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। जगह जगह एहतजाज नज़र आ रहे हैं, सड़कें ब्लॉक नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या कीजिए कि हुकूमत के पास कोई प्लान ऐसा नहीं है कि लोगों को इस मुश्किल वक्त में, बिलखसूस जब शहर कराची में, पूरे पाकिस्तान में वैसे तो बड़ी शदीद गर्मी इस वक्त है, बड़ा गर्म और मरतूब मौसम है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों तक ये सिलसिला जारी रहे। उसके बावजूद घंटों घंटों की लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। शायद मीडिया के ऊपर उस तरह से इन तमाम चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा, और एक तरह से ये सही भी है। जिस तेज़ी से लोगों की अमवात हो रही हैं, रात को भी मैं एक जगह था, बहुत सारे केसेस इस तरह के रिपोर्ट हो रहे थे अस्पताल के अंदर, जो गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से, स्ट्रोक की वजह से जो है वो लोग अपनी जान से गए हैं। और ये तमाम छोटे बड़े अस्पतालों के जो फिगर सामने आए हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, दिल दहला देने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी वजह यह भी है कि इस वक्त जगह जगह लोड शेडिंग की जा रही है, तो इस वक्त ये मामला और मौजू ऐसा है जिसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, इस वक्त वक्त की ज़रूरत है, और ये जो लोड शेडिंग है ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शमीम साहब, एक निजी यूनिवर्सिटी शहर कराची में, इकरा यूनिवर्सिटी, उससे आपकी वाबस्तगी है, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर साहब, उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जी। हमारे बड़े ख़ास प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सूमरो साहब माहिर तालीम हैं, और आपका भी एक निजी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, IOBM, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी डॉक्टर साहब, अब ये मईशत से जुड़े सारे मामलात हैं, मैं और आप काफ़ी देर बात करते हैं, घंटों बल्कि इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरह सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो रही है, कैसे इन मामलात को ठीक किया जाएगा। बजट अभी हालिया दिनों में पेश किया गया, और वही हुआ जो हर बार होता है, टैक्सेस जो हैं वो एक आम आदमी के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर जो मज़ीद लगाए गए, और लोगों के लिए समझना मुश्किल होता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे इस तरह की जब इकोनॉमिक सिचुएशन हो जहाँ पे ज़रा आमदन कम हो, अखराजात ज़्यादा हो, वहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। अब हमारी कोशिश होती है कि ज़रा आसान और सहल अंदाज में लोगों को समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से लोग वाकिफ नहीं होते। डॉक्टर साहब, कैसा आपने पाया ये बजट की सारे सूरत हाल आपने देखी है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप तबसरा कीजिए। जी शुक्रिया यासिर साहब। एक बात मुझे याद आ रही है कि किसी ने कहा था कि गैस के बिल, पानी के बिल, बिजली के बिल, इतने सारे बिल मिले कि हम बिल बिला के रह गए। तो मौजूदा बजट दैट इज अराउंड 8.5 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट है, जनरली कहा तो ये जाता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है बजट पेश करती है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ये बजट प्रेजेंट तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, बनाता IMF है।
और इस पे ज़्यादातर जो इनपुट्स होते हैं वो स्टेट बैंक के होते हैं। इसका मतलब है काम फेडरल गवर्नमेंट का है और मॉनिटरी साइड इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं विद द कंसेंस ऑफ द IMF। जो कि अगर आप मौजूदा बजट में देखें तो तकरीबन 9.7 ट्रिलियन रुपीस जो है वो सूद के मद में बैंक ले जाएगा, स्टेट बैंक ले जाएगा। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस नहेज पे खड़े हुए हैं। और रही बात जहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देखें पाकिस्तान की, इस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन में आपने जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ रखा है दैट इज़ अराउंड 12.9 ट्रिलियन रुपीस। अब जब इतना बड़ा आपने टैक्स कलेक्शन का जो हदफ रखा है गिवन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इस तरह से जब मईशत पे आप टैक्स लगाएंगे, और कुछ टैक्स तो चले ठीक है जायज़ टैक्स होते हैं, कुछ टैक्सेस के उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, कुछ नाजायज़ टैक्सेस जो लगे हुए हैं, 12.97 जो ट्रिलियन रुपीस की कलेक्शन जो आपने इसको कलेक्ट करना है, इसके लिए ये इम्पॉसिबल हो गया है कि आपने जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए हुए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के भरमार कर दिया है आपने, उसके ऊपर आपने सुपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, इस तरह तो इंडस्ट्रीज़ नहीं चलती। और जब इस तरह से इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, क्योंकि आपने टैक्स कलेक्ट करना है IMF की कंडीशंस को, IMF के डिक्टेशन को आपने फॉलो करना है, जब IMF के डिक्टेशन को फॉलो करना है, ये टैक्स इम्पोज हो चुका है, और 1 जुलाई के बाद जो इस मुल्क में एक नया बहरान क्रिएट होगा आने वाले दिनों में, वो होशरुबा होंगे, हैरान हो जाएंगे आप देखकर, और इंडस्ट्रीज जिस तरह से परेशान नजर आएगी। ठीक है, आज भी देखिए जो इंडस्ट्री के ऊपर एक कुछ लोगों के कमेंट्स ये हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के मद में जो चार्जेस लगाए गए हैं, और वो कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर ये 10 रुपए से पर यूनिट इंडस्ट्री पे बिल कम कर दिया जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो $5 अरब से बढ़ जाएंगे। अब मसला ये आता है कि पाकिस्तान में जो है ना यासिर साहब, नियतों का फुकदान है। मैं हैरान होता हूँ कि आप टैक्स कलेक्शन के लिए उन्हीं लोगों की गर्दन पकड़ते हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। ठीक है, आप टैक्स टू GDP जो हमारे औरंगजेब साहब ने कहा है, अच्छे आदमी है, यकीनन अच्छे आदमी है, लेकिन इस तरह के बजट पेश करने के लिए आप 3 करोड़ रुपए माहाना पे, इससे बेहतर बजट तो मैं पेश कर सकता हूँ। अगर बजट ही पेश करना है और मुल्क के 26 करोड़ आवाम को परेशान करना है, मैं तो ये हैरान होता हूँ मैं कि आपको मैं एक बात बताऊँ कि तकरीबन 40 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान में वो टैक्स देते हैं, टैक्स नेट में है। ठीक है, अब मसला ये कि जब आप 9.5% टैक्स टू GDP से आप 14 और 15% पे जाने की बात करते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। आप मेहनत क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लेकर आते हैं? और दूसरी तरफ भी आऊँगा तो आप इस तरफ मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट पे हैं, मज़ीद उन पर टैक्स का जो है ना अंबार डाल दिया जाए और किसी तरह से जो है ना हदफ पूरा कर लिया जाए। आप देखेंगे सैलरीड क्लास के साथ जो इन्होंने हशर किया इस दफ़ा बजट में, बुरा हशर कर दिया। अभी 1 जुलाई के बाद लोगों को पता चलेगा कि उनके साथ क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। PDL के मद में, PDL के बारे में बताओ, पेट्रोल डीजल लेवा ये 20 रुपए से शुरू हुआ, 60 रुपए पे था, अब इन्होंने मजीद 20 रुपए बढ़ा दिया, यानी 33% बढ़ा के इसको 80 रुपए पे कर दिया इन्होंने। अब एक तरफ आप बात करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जब PDL के मद में 20 रुपए आपने बढ़ाया है 33%, तो ये जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे डेफिनेटली बढ़ेंगे, ये 20 रुपए से नहीं बढ़ेंगे, आने वाले जो कम अज कम मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 40 रुपए से पर लीटर पेट्रोल बढ़ेगा। जब पेट्रोल 40 रुपए से पर लीटर बढ़ेगा, इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे, इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होंगे, ये सारे हर तरह से पिसने वाला तबका आवाम है। आप देखें कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जो से कुछ और बात भी करना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इनके मराद खत्म होने के नाम नहीं लेते, इनको मराद पे मराद दिए जा रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको 3 बोनसेस का ऐलान कर दिया गया, मुल्क के पास पैसे ही नहीं है। आप एक तरफ आवाम पिस रही है, दूसरी तरफ मिनिस्टर्स की अय्याशियां खत्म नहीं हो रही है इस मुल्क में, आपने 3 बोनसेस का ऐलान कर दिया है। आप मुझे बताएं 40 लाख लोग टैक्स नेट में है, ठीक है, और कम उबेश इतने ही लोग जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है। अब मसला ये है कि अब मसला यह है कि क्या ये 40 लाख अफराद जो टैक्स दे रहे हैं उनमें इस बात को ऑडिट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं। एक कैलकुलेशंस के हिसाब से जो FBR की बात करते हैं, द बॉडी वो कलेक्ट द टैक्सेस, यू नो,
एफबीआर के तकरीबन 24,000 इम्प्लॉयज़ हैं, और ऑटोमेशन के बाद इतनी इतने लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, 4-5 हज़ार से काम चल सकता है। जी तो आपने ये वाइट एलिफेंट्स क्यों पाले हुए, आपने इतने सारे लोग, और ये 2021, 2022, 2023 की रिपोर्ट है कि एफबीआर के 600 जी अफसर्स ने जो है टैक्स जमा ही नहीं करवाया, तो इनकी ऑडिट क्यों नहीं होती है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स की टैक्स ऑडिट क्यों नहीं होते हैं कि जी जो लोग टैक्स, क्या मेरा आपसे सवाल है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे उनके अकाउंट सीज क्लियर कर दिए जाएंगे, उनके मोबाइल फ़ोन को बंद कर दिया जाएगा, उनके बिजली की कनेक्शन काट दी जाएगी, मेरा सवाल आपसे है कि मुझे एक एग्जाम्पल बता दें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के या एफबीआर के ऑफिसर्स के जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया। तो ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें, और उनके जो है ना बिजली के बिल काट दिए गए हो, या मोबाइल फोन सिम बंद कर दिया गया हो, या जनाब उनके अकाउंट सीज कर दिए गए हो, ऐसा नहीं होता। ये दोहरा मयार जब तक रहेगा इस मुल्क में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ना वो नियतों का फुकदान है। मैं हैरान होता, पिछले 3 साल में पेंशन की थोड़ी बात करना चाहूंगा, जरूर 1.014 ट्रिलियन रुपीज इस दफा पेंशन फंड को इन्होंने रेज किया है, ठीक यहां तक लेकर आए। इससे पहले तकरीबन ये 761 हंड्रेड बिलियन रुपीज जी था, उससे पहले 699 बिलियन रुपीज था। ये बतदरी जो जी पेंशन फंड को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पाकिस्तान में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? एफिशिएंसी बेस होना चाहिए कि आप क्या मुल्क को दे रहे हैं, मुल्क तो आपको बहुत कुछ दे रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, पर्टिकुलरली आई एम अगेंस्ट ऑफ द पेंशन फंड, ये लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डबल नेशनैलिटी लगते हैं, इनका मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता है, ये इसको कैसीनो इकोनॉमी समझते हैं, आते हैं इंजॉय करते हैं, पैसा लूटते हैं और चले जाते हैं, और बाहर मुल्क में बैठ कर पेंशन को, हमारे टैक्स के पैसे से वो पेंशन को बाहर मुल्क में बैठ के इंजॉय कर रहे होते हैं, उनकी इस मुल्क में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। इन तमाम चीजों को देखें, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर हम बात करते हैं कि चेक एंड बैलेंस की, प्रोडक्शन ऑडिट की, तो पाकिस्तान में जो ना प्रोडक्शन ऑडिट नहीं होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 40-50 यूनिट शो करते हैं, वहां पे वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। या इसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि टैक्स रेट इतना बढ़ा दिया है आपने, टैक्स बर्डन इतना बढ़ा दिया है कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए लोग करप्शन करते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि हम खासतौर पर जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 30, वो कहते हैं ना टैक्स को बढ़ाने के लिए आप सब्सिडीज को कम करें, आप रियल एस्टेट को फोकस नहीं करते हैं, आप रिटेलर होलसेलर को फोकस नहीं करते हैं, आप एग्रीकल्चर को फोकस नहीं करते। मानता हूं मैं इन पे अगर आप इन पे से सब्सिडीज को हटा लेते हैं या इन पे टैक्स इम्पोज करते हैं, तो तकरीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन रुपीज पाकिस्तान में हमारे इजाफा हो सकता है, बहुत आसानी से हमारे बजट में 2.5 ट्रिलियन रुपीज की बचत हो सकती है। लेकिन यासिर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान में जिस जिसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, देखिए इंडस्ट्रियल कनेक्शंस। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ आता हूँ, अभी एक एक करके इन तमाम चीज़ों को टच करते हैं। ये जो टैक्स बेनिफिट की बात की है ना आपने, सब में ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टैक्स आप अदा करते हैं, जब आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ना हेल्थ के ऊपर कोई पैसे खर्च किए जाते हैं, ना तालीम के ऊपर, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि आप टैक्स हासिल करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। और यही कुछ होता रहा है कि जितने भी टैक्स का पैसा है वो आपकी अयाशियों में यही इस्तेमाल करना पड़ता है, लफ्ज़ ना चाहते हुए वो जाता है, तो इसलिए लोग मजबूर होते हैं फिर कि वो टैक्स ना दें। वैसे तो टैक्स हर शक्ल में, हर सूरत में हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। बहरहाल और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब की तरफ आऊँगा। रक्षा, अब ये हर दौर में ऐसा ही होता है, जैसे मैंने कहा कि एक तो टैक्स अदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई उसका कोई बेनिफिट आवाम को दें, उसका रिटर्न कोई सोसाइटी में नज़र आए। बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर हम देखते हैं कि जब वो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आवाम को देते हैं, जैसे मैंने कहा कि हर शोबे में नज़र आता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जैसे भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, होना तो ये चाहिए था इकोनॉमी में एक्सपेंशन होती है, आप नए मिल्स लगाते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, ऐसा कुछ नहीं है। वो पुरानी मॉडल की गाड़ी होती है, एक एक सरकारी एम्प्लॉय के पास आप देखें 13-13, 14-14 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, दुनिया हैरान रह जाती है कि किस किस्म का मुल्क है पाल। जी डॉक्टर साहब फरमाए। जी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए देखें, आपने जैसे इशारा किया कि देखें अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, जो कि कनाडा या अदर कंट्रीज, जो हम पर टैक्स कलेक्ट होता है, अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट होता है,
और उसके बाद वो फैसिलिटीज देते हैं, मेडिकल फ्री होता है, तालीम फ्री होती है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह नहीं है, जिस तरह यानी सरकारी हॉस्पिटल तो हैं लेकिन वहाँ पर कितनों की पहुँच है और क्या हो रहा है आपको पता है, मैंने पता है। तालीम इदारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के जो कि तकरीबन फ्री हैं, कुछ मामूली फीस है, लेकिन उनमें भी कोई तालीम नहीं है कि बच्चों को प्राइवेट इदारों की तरफ भेजना पड़ रहा है। देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनते हैं वो बनते हैं टू फैसिलिटेट द पीपल। एग्जैक्टली, रूल नंबर वन यही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ रूल्स बनते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अब क्या है कि अच्छा इस्लाम में क्या है कि आपके पास इनकम आई जी, आपने उसकी ज़कात निकाली, आपका पैसा हो गया पाक, अब आप उसको खर्चा करें। डॉक्टर साहब ने इशारा किया, मैं इस बात पर आना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक तो सैलरी पर्सन पक्के उनको पता है कि टिप्स पे कितने सैलरी आ रही है, कितने लोग हैं और उसको अगर हम भरा देंगे तो कितना अमाउंट आएगा। टैक्स नेट पे दूसरे जो लोग हैं, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी या एग्रीकल्चरिस्ट या सारे लोग, उनको लेके नहीं आ रहे। अच्छा, इन्होंने कहा ये तो पक्के हैं, ये तो इनकी तो आप तनख्वाह जाने से पहले ही हम काट लेते हैं, तो इनको पहले पकड़ो। अच्छा, इनको पकड़ने से क्या हुआ कि उनके पास एक फिगर्स आ गई और उन्होंने फिगर्स कहा कि जी ये फिगर है और इससे हमें ये होगा ये होगा। ऑन दी अदर, इन्होंने फैसिलिटीज हमें क्या दी भाई, जो आप अगर इतने टैक्स पेयर हैं जी, यानी आप यकीन करें, हम एज ए फैकल्टी मेंबर एक रूल बना था जब मुशरफ का ज़माना था, मुझे याद नहीं 1999 की बात जी, कर रहा हूँ जी। उस वक्त उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए कि जी पीएचडीज और जो प्रोफेशनल लोग एजुकेशन में आए, तो उन्होंने एक 75% की रिपेट दी थी उस वक्त कि जी ये लोग अच्छे लोग आए जो बाहर के मुल्कों में आए और उनको टैक्स रिपेट मिलेगा 75%। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ वो 25% रह गया जी, और आज ये सूरत हाल है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर बात है, अब जो मैं देख रहा हूँ, अब जो ब्रेन ड्रेन कैसे होगा, अब लोग बाहर जाना शुरू हो गए। हमारी यूनिवर्सिटी से दो लोग ने जो है इमिग्रेशन ले लिए, यूके एंड न्यूजीलैंड, कुछ लोग और भी ने अप्लाई कर दिया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अलमनाइज हैं, वो भी इस तरह। अब आप देखें, मुझे एग्जैक्टली फिगर तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों इस वक्त जो है 2022 से लेकर 2023 तक exactly. एक बड़ी मिकदार 125% इंक्रीज हुआ है लोगों का बाहर जाना। अच्छा, उसके बाद अब 24 में देखिएगा, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि जी जुलाई के बाद पता चलेगा, क्योंकि कुछ लोगों को हम जैसे मैं तो इकोनॉमिक्स का नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ या एजुकेशन मेरी फील्ड है, लेकिन हमें तो थोड़ी बहुत क्योंकि एडमिन में है तो मैं कैलकुलेशन सारी हम देख लेते हैं। तो अभी जो अंदाजा जो होगा, जो बम फटेगा असल में, वो 1 अगस्त को जब सैलरी आएगी। एग्जैक्टली, तो जुलाई वाली सैलरी तो अभी भी वही पुराने हिसाब से चलेगी, तो वो 1 अगस्त को जब होगा तो हो सकता है कुछ लोग निकलें और कुछ हो, लेकिन समझ देखें हम फैसिलिटेट करने के लिए नहीं आए। अच्छा, फिर मसला दूसरा ये है जो डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया और आपने भी इशारा इसकी तरफ किया कि हम अपने खर्चे तो कम नहीं कर रहे। अगर ये अगर आपको याद हो कि हम थोड़ा पीछे जाते हैं, मोहम्मद खान जो ने जो के ज़माने में उन्होंने कहा था भाई सारी गाड़ियाँ बेचो और छोटी गाड़ी पे बैठो। हमारे जब मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट पहले वहाँ शोक, इनको बजट देनी चाहिए, कोई मसला है, मजबूरी है, बिल्कुल सही, इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता मेरा ख्याल, मजबूरी है, हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें कर्जा देना है वापस। पहले ये कहते जी हमने ये मरात अपने ख़त्म किए हैं, पहले ये कहते कि हम ये चीज़ें नहीं लेंगे जी, अब हम इससे ये इतना अमाउंट बचेगा और फिर हम आवाम के ऊपर टैक्स लगाते, तो हम भी खुश होते, हम भी उनको अप्रिशिएट करते, हम उनको सैल्यूट करते। ऑन द अदर एंड उल्टा हो गया जी, यानी उन्होंने बजट से पहले पास करवा ली रेजोल्यूशंस के जी ये फायदे इनको मिलेंगे, बिल्कुल सही, जब बजट से पहले हो गया, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट वो चीजें नहीं आई जी। अब ये चीजें शो कर रही है दोहरा मेरा, जो लोग हमारे अमानतदार हैं वो अमानत में ख्यानत कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह ख्यानत की कि उनका काम था कि भाई अमानत है हम, पाकिस्तान मुल्क जिसकी ये बजट है, जिसका ये कर्जा है, ये हमें उतारना है, बिल्कुल हमारा साथ था हम आप उनके, लेकिन वो खुद के ऊपर वो समझते हैं कि हम तो कोई और मखलूक हैं, हम तो कोई और। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये उनको शायद इस बात का पता है, इनकी बड़ी फॉर्चुनेट है, सब कुछ है कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि ये लोग केनिया वाले लोग नहीं हैं, वरना केनिया के अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है 2 दिन से कि वो जो एडिबल ऑयल है ना उसके ऊपर पैसे बढ़ाए ना, तो उन्होंने पूरे केनिया को जो है वो बंद कर दिया जी। डॉक्टर साहब,
तो मतलब असल में हमारा भी देखें, हम भी देखा जाए तो हम सब करप्ट हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हम करप्ट हैं, देखें मैं करप्ट कैसे कहता हूँ, मैं अगर आपके साथ अभी फाइनेंशियली करप्शन नहीं है, मॉरली भी करप्शन है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन की करप्शन है। आप अभी मेरे साथ बाहर चले, अभी मेन रोड पर देखें, सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन साइकिल वाला भी कर रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी कर रहा है और एसयूवी वाला भी कर रहा है। Exactly. तो हम सब करप्ट हैं। इसीलिए ये जो हम आपने केन्या की मिसाल दी, अभी हमारे यहाँ केन्या की मिसाल होने वाली नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब सोए हुए हैं। हमें जो मौका मिलता है, देखें वो एक दफा बात हो रही थी किसी दोस्त से, तो मैंने कहा वो बात बड़ी ये हो जाए वो हो जाए, मैंने कहा जब आप समंदर में आएंगे या तालाब में आएंगे फिर बताइएगा कि कैसे तैरते हैं। अब बातें करना, हम तो बाहर बैठे हुए हैं सिस्टम से, हम बातें करते ये हो जाए वो, हम क्या कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कतरा कतरा दरिया होता है, हम सब सीख हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे जो हुक्मरान है वो भी वही आ जाएं जो हम जैसे हैं, क्योंकि हम जैसे हैं वही हुक्मरान है और वही कर रहे हैं। तो दुख होता है कि ये लोग वायदे करते हैं। अच्छा, आजकल जो मीडिया या सोशल मीडिया सारी वीडियोस पुरानी सारी आ रही हैं कि पहले क्या कहते थे, अपोजिशन में क्या कहते थे और हुकूमत में क्या कहते हैं, ये दोरी पॉलिसी, ये मुनाफिकी है। सॉरी टू यूज द वर्ड मुनाफिक, ये मुनाफिकी है कि आपने पहला काम अभी अभी एक कमेटी बनी, वो जो फैसला करेगी कौन सी मिनिस्ट्री आपने खत्म करनी है, कब फैसला होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान में जो काम नहीं करना आप कमेटी बना लें। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा कमेटी बना लें, कोई काम नहीं होगा, बस वो कमेटी चलेगी, उसकी रिपोर्ट जब बन जाएगी फिर हादसा हो जाएगा, रिपोर्ट भी कहीं जल जाएगी, वो बंदा भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो खुद कुछ नहीं। कमेटी का एक कोई भी किसी भी कमेटी का कोई भी रिपोर्ट कभी शायद नहीं हुई, यानी पाकिस्तान में अगर किसी मामले से जान छुड़ानी है उसके लिए आप कमेटी बना दें। अल्लाह खैर सलाह। डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बजट के भी हवाले से, इसके पस मंजर में। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, तालीम के हवाले से दुनिया में कोई भी इकोनॉमी हो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेन फोकस्ड एरियाज होते हैं ना, वो हेल्थ एंड एजुकेशन है, जिसका लॉन्ग रन इफेक्ट्स होता है। इनोवेशन होती है, इन्वेंशन होती है, रिसर्च होती है, इकोनॉमी बूस्ट करती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हमारा अलमिया देखें, चले 18वीं तरमीम के बाद सही सूबों के अख्तियारात में चले गए, हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें, बजट की बात कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ने 100 अरब रुपए जो HEC का बजट है उसको ऑलरेडी कम कर दिया। इस वक्त यासिर साहब, पाकिस्तान में 265 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम है, जो टोटल चाइल्ड के 40% से ज़्यादा होता है। अब बताइए आप कि एक तरफ एजुकेशन के बजट को कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि सर ने बताया कि आपने 75% से जो टैक्स रिबेट मिलता था कम करते करते 25% पे आए और 25% से भी कम कर दिया। ये जो एजुकेशन सेक्टर में जो प्रोफेसर है, रिसर्चर है, और रिसर्च जो होती ना किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, इसका मतलब ये है कि आप खुद डीमोटिवेट कर रहे हैं इस मुल्क में कि इस मुल्क में एजुकेशन आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस मुल्क में रिसर्च नहीं होना चाहिए, इस मुल्क में तालीम याफ्ता लोगों को नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आप खुद मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस मुल्क से चले जाएँ तालीम याफ्ता लोग। तो एजुकेशन, जिस मुल्क में एजुकेशन को इस तरह से वायलेट किया जाएगा, तालीम को, जिस मुल्क में बच्चों को 265 करोड़ बच्चों को तालीम से महरूम किया जाएगा, वो मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है आप बताइए। एक छोटी सी बात, अब मसला ये आ जाता है कि एक चीज में बीच में बोलता हुआ रह गया था कि टैक्स के हवाले से जो बात कर रहे थे आप, एक तरफ तो आप तालीम का जो है गला घोट रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ के जो मैं बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, इसमें FBR का भी रोल बताऊंगा और गवर्नमेंट का भी किरदार बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर को क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी मैं बताना चाहता हूँ। रक्षा, पहले ब्रेक एक मुझे छोटी सी लेनी है, उसके बाद मैं चाहूंगा आप इसको जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक के जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैं मुखिल हुआ ब्रेक के लेने की वजह से,
डॉक्टर साहब यहाँ पे गुफ्तगु फरमा रहे थे। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि इंडस्ट्रियल कनेक्शंस की बात कर। जी जी कनेक्शंस की बात। ठीक है, जो फुकदान है हमारे यहाँ और इसी वजह से जो है टैक्स जो है बेचारे गरीब आवाम पे लग जाते हैं और दिस इज दी ओनली वे, गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान के कानून है, इस कानून में आते हैं कि जिनको जिन जिस इंडस्ट्रीज को भी आप कनेक्शन देंगे दे शुड हैव टू प्रोड्यूस अ सेल्स सर्टिफिकेट, एनटीएन जमा कराना होगा। ठीक है, और इस बात को इंश्योर करना पड़ता है आईपीपीस को कि उनको कनेक्शन उस वक्त दिया जाए जब सारी वेरिफिकेशन हो जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो एनटीएन सेल्स सर्टिफिकेट जिन्होंने जमा कराया है सिर्फ 1 लाख इंडस्ट्रीज है, यानी 29 लाख इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड किधर है? बिल्कुल सही है। कौन जिम्मेदार है? प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये पाकिस्तान का कानून है। इसका मतलब वायलेशंस हो रही है, जबरदस्त वायलेशंस हो रही है, और इसमें कौन लोग मुलविस हैं? आईपीपीस के जो करप्शन है वो उरूज पर है। आप ये देखिए कि गुज़िश्ता माली साल, अब तो गुज़र खत्म होने वाला है, तो मैंने लफ्ज़ गुज़िश्ता इस्तेमाल कर लिया, ऑल्दो स्टिल वी आर अंडर द सेम फिस्कल ईयर। तो गुज़िश्ता माली साल में जो ये बिजली की जो इस्तेमाल हुए हैं वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस के बराबर, और आईपीपीस ने जो ये कलेक्शन की है दैट इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन रुपीस। अब मसला ये है कि जो 2.3 ट्रिलियन रुपीस आईपीपीस ने कलेक्ट किया है वो उन बिजली के है जो बिजली पाकिस्तान में प्रोड्यूस ही नहीं हुई। मैं हैरान होता हूँ कि करप्शन इस लेवल पे है, और प्राइम मिनिस्टर साहब आके टीवी पे कितने सादगी से बोलते हैं। अब मैं 70 साल से, मतलब मैं 70 साल से सुनता हुआ तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये एक ट्रेंड बन चुका है, और जब से मैंने होश संभाला मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आके बोलते हैं ये आखिरी दफ़ा है, आवाम को थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कई नस्लें तकलीफ बर्दाश्त करते करते दुनिया से रुखसत हो गई, आने वाली नस्लें उससे ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं। कितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं आवाम से, और ये खुद जो है बटर खा रहे होते हैं। अभी दूसरी तरफ आप ये देखें यासिर साहब के, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई इनकी बातों से। इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के तमाम इदारों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आप तो प्राइवेटाइज करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आपके चैनल के तवज्जो से एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं उन तमाम हजरात को जो मुल्क से सिंसियर हैं, कि पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट इदारे में डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए। इनके मकासद इस मुल्क में नहीं होते। अब प्राइवेटाइजेशन में जो आपने पीआईए प्लस 23 इदारे 24 इदारे को तो आपने फाइनलाइज कर दिया है, जिसमें से 9 बिजली प्रोड्यूसर है कंपनीज हैं, 5-4 और 9 जो है सप्लायर्स हैं। इसके अलावा जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से जितने भी इदारे हैं उन तमाम के तमाम को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। बल्कि जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए स्ट्रेटेजिक यूनिट के अलावा। अब मेरा सवाल उनसे था, अगर मैं होता तो क्या आप तमाम का मतलब तो स्ट्रेटेजिक यूनिट भी आ गए? स्ट्रेटेजिक यूनिट प्राइवेटाइज होने का मतलब है आपके मुल्क की सालमियत किधर गई? फिर दूसरी बात कि आप बता दें, अभी हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो 2 साल के बाद आपके पास क्या बचेगा? 2 साल के बाद, इसका मतलब ये है कि 2 साल के बाद जो मुल्क हालात होने वाले हैं इतने संगीन हो जाएंगे कि जिसको संभाला नहीं जा सकेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, और मैं वैसे तो प्रो प्राइवेटाइजेशन वाला हूँ, लेकिन मैं अपना जो स्टैंड है वो मेरा चेंज हो गया, क्योंकि ये जो कराची में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जब ये प्राइवेटाइज हुई और उसको जब मैंने रिजल्ट देखा, तो अब मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि अगर इस किस्म की प्राइवेटाइजेशन है तो ये तो बड़ा भयानक तजर्बा है। उसकी बड़ी हैवी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, और न सिर्फ कॉस्ट पे कर रहे हैं बल्कि हमने ह्यूमन लाइव्स इसके अंदर हमारी जा रही हैं, हमारा सब कुछ इसकी वजह से जा रहा है। अगर आप इसकी नेट कंक्लूजन देखें जो कल से लेकर अब तक हो रहा है, तो वो लोड शेडिंग एक सबसे बड़ा मसला है। पैसे नहीं, इंसान की जाने जा रही हैं, तो अगर ये प्राइवेटाइजेशन है तो फिर बड़ा क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब, मैं इसको बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे हम ये अभी बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन ही अब टॉपिक बन गया है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जिनको हमारे ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अच्छा, राइट पर्सन टू द राइट जॉब अगर होता, प्रॉब्लम हमारा पॉलिटिकल है। हमारे सारे इदारों में देखें कि राइट पर्सन टू द राइट जॉब है नहीं। अच्छा, नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं रखा जाता? मतलब डेलिबरेटली ये सही बंदा रखा ही नहीं जाता। नहीं रखा जाता, उसके एक सबब है, वो चाहते हैं कि जी हमारे मुफादात को सेटल किया जाए। ठीक है,
अच्छा, आप जब आपने उन इदारों में राइट पर्सन रखा नहीं, फिर उसमें मिस यूज ये सारी चीजें, अच्छा अब यहाँ पाकिस्तान आपने पाकिस्तान में थोड़ा देखूंगा कि हमारे पास कुछ प्राइवेट एयरलाइंस है, वो सारे के सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं, फिर हमारा इदारा क्यों जा रहा है? यानी इस हद तक कि एक दफा पे टेबल कर रहा था तो बातें कुछ लोग कर रहे थे जो स्टाफ के थे, तो उन्होंने वो जो सीट्स होती हैं कि अगर आपकी लास्ट मोमेंट में बुकिंग आपकी फुल है और आपकी लास्ट मोमेंट में अगर कोई सीट बच जाती है तो एम्प्लॉय कैन टेक द सीट विद 10% ऑफ अमाउंट पेइंग, 90% उसको रिबेट मिलता है। ये करते क्या है कि जी वो सीट्स हैं रिजर्व ही नहीं करते, बिल्कुल जैसे साहब ने जाना होता है रिजर्व ही नहीं करते, तो वो अब जब मैनिपुलेशन, देखिए अमानत में खयानत का पूरा मसला है, हमारे जो भी इदारे हैं, अच्छा मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, मैं तो इसमें होंगे, देखें इदारा नहीं कमा रहा उसको आप निकाल दें, प्राइवेट कर दें, और लेकिन प्राइवेट करने पर भी ऐसा न करें कि इतने पैसे लें कि वो आपका काम ही ना बने, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जी मुझे, क्योंकि हम रिएक्टिव सोचते हैं जी, जी कि हमारे ये मसले हमें ये चाहिए, अब ये चार इदारे क्योंकि रिएक्टिव से जो प्रेशर हुआ है या जो लॉबी बनी है जिसकी वजह से मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ या वजीर बनाऊँ, उसने खरीदना है इदारा। अच्छा अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, आप मुझे बताएं कि एक बंदा जब पीआई का चेयरमैन रहा, प्राइम मिनिस्टर भी रहा है जी, वो जब वहां से चेयरमैनशिप से हटता है तो अपनी एयरलाइन बनाता है, बिल्कुल सही है, उसको क्या लाइसेंस मिलना चाहिए था? उनसे मेरी बहुत अच्छी है, हम असेंबली में साथ रहे, मतलब यहाँ बैठे ऐसे जैसे हम बैठे हैं, लेकिन क्या उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? यहाँ पर कुछ कोई कानून है न, इथिक्स है न, मॉरलिटी है, कुछ भी नहीं है। जब अब ये इदारे, अच्छा अब रुकर फैसला करते हैं प्राइवेट में, लेकिन वो प्राइवेट करने का प्रोसीजर क्या है जी, उसमें से कितने पैसे इनको मिलेंगे? अब तो ये शो कर देंगे, एक इदारा जो शो करे, स्टील मिल का एग्जांपल ले रहे, इसकी जो प्रॉपर्टीज इतनी है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज कोई अलग अलग सेल करेंगे तो यू गेट मोर मनी, अगर आप उसको सस्ते दाम हो क्योंकि मुझे अपने किसी साथी को, किसी दोस्त को खुश करना है जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जी, उसको दे देंगे तो मुल्क को क्या मिलेगा? हम अपने, हम अपने मुल्क को देखते ही नहीं, हम देख रहे हैं कि मेरा काम क्या होगा, मेरे मेरी कमीशन, मेरे ताल्लुकात सही होंगे इस डिसीजन से, बिस्मिल्लाह। तो हम डिसीजन लेते हैं फॉर द पर्सन बाय द पर्सन, होना चाहिए जो जमहूरियत की डेफिनेशन जो इब्राहिम लिंकन ने दी थी कि जी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अब ये गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन फॉर द पर्सन बाय द पर्सन बाय द पर्सन। छोटी सी बात, सर की बात को ही कंटिन्यू करूंगा कि प्राइवेटाइजेशन देखे बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में बुरी चीज है, हमारे मुल्क में बुरी चीज ये कि जो प्राइवेटाइजेशन पे जाते हैं उनकी नियतें सही नहीं है। पीटीसीएल को आपने देख लिया ना, लेविटेट है अभी तक, पिछले वो मुशर्रफ साहब के दौर से लेकर अब तक उसका कोई नहीं। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में नियतों का फुकदान है, यही लोग जो हुकूमतों में होते हैं तो इनसे इदारा चल नहीं होता है, और यही लोग जब बाहर होते हैं तो प्राइवेटाइजेशन के जरिए से इदारों को आसमान पर पहुंचा देते हैं, इसका मतलब है नियतों का फुकदान। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, प्राइवेटाइजेशन करें लेकिन फॉरेनर्स को ना दें आप, क्योंकि अगर इनिशियली तो पैसा इनफ्लो आएगा लेकिन जब रिपार्टिशन ऑफ प्रॉफिट होगा ना तो देट विल अल्टीमेटली गोज टू द आउटसाइड, तो जिसका प्रेशर पड़ेगा ना आपके करंट अकाउंट के ऊपर या एक्सचेंज रेट के ऊपर, वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि डॉक्टर साहब, एक छोटी सी चीज मैं आपके चैनल से दोबारा बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में आप ये देखें कि इंडिया को मैं एग्जांपल बनाता हूँ कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, उसने एक इदारा डेवलप किया ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है ना, उसमें ये कि और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस बात पर पाबंद किया है कि इनके मशावरत के बगैर कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा, इम्पोज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो पाकिस्तान में भी इस तरह से ऑल पाकिस्तान ट्रेड एसोसिएशन बनना चाहिए और इनकी मुशावरत के बाद जो है ना टैक्स सिस्टम या किसी भी तरह का टैक्स लेकर आए तो उसको, एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं बट वो स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड नहीं लेते नहीं, किसी भी स्टेज के ऊपर, अगर आप उसकी शक्ल को चेंज कर दें, हमारे पास इस तरह की चीजें। लास्टली जी सजेशन ये करूंगा आपके चैनल की तरफ से कि देखें हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि हम जो इंपोर्ट चीजें कर रहे हैं उस पे हमें काफी पैसे देने पड़ते हैं, हमें उसमें करना चाहिए। एक सिंपल फार्मूला है, पिंडी में 200 अमीर तरीन पाकिस्तान के लोगों को बुलाएं, समझ रहे हैं बात? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उनको कहें कि जी ये चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, हम आपको 10 साल की सब्सिडी देते हैं, यानी कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप ये यहाँ बनाएं
वो इम्पोर्ट खत्म करें। बिल्कुल सही, हमारे पास पैसे का कोई कमी नहीं, हमारे जो अमीर लोग हैं वो बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं। हमें हमें सोचिए, विजन ही नहीं है हमें, हम क्या हम चाहते क्या है। मैं जब हुकूमत में आता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर मैं 5 साल में यही स्टेप करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही है, कोई ना विजन है ना मिशन है कुछ भी नहीं। हम कहते हैं कि जी हम आए हैं बस प्राइम मिनिस्टर रहना है, और हमने बस ये पार्लियामेंट को बचा के रखना है कि भाई कोई किसी भी तरह कोई टेक ओवर ना हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान किसी के पास भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जितने भी लोग आते हैं वो देखते हैं हमारी नौकरी का दिन जो है वो कितनी देर चलता है, हम ये जो ऑफिस में बैठे हुए हैं ये बस टाइम किसी तरह पूरा करके निकल जाए। और डॉक्टर साहब बातें तो बहुत सारी थी लेकिन वक्त जो है अच्छा, कुछ चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा जिसे हम बार्टर ट्रेड की तरफ हम जा सकते हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा सकते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत सारे इकदाम हैं जिससे हम बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं। और मेरी दोबारा गुजारिश है कि ये जो टैक्सेस लगाए हैं गरीबों पे सैलरीड क्लासेस के ऊपर, और ये प्रोफेसर हजरत के ऊपर जो आपने 25% का रिबेट था वो भी ख़त्म कर दिया है, देट शुड बी रिटेन। बिल्कुल ठीक है, इसको रिटेन करने की। और ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉलर, तो हमें एक तो इमीडिएटली डॉलर से निकल के, देखें हमें बड़ा अच्छा मौका चाइना ने दिया था युआन के साथ, युआन पे चाइनीज युआन पे चले जाते। अगर हम युआन के साथ होते, देखिए हमें अपनी डिसीजन, देखिए इंडिया तेल लेता है ईरान से, ईरान से ईरान पर पाबंदी है, और वही तेल लेकर ऑयल लेकर इंडिया पूरे यूरोप में बेच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इंडिया तेल ईरान से ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। हम अपनी डिसीजन लेने पर है कि हमें अमेरिका के डिसीजन की जरूरत नहीं है, डॉलर से बिल्कुल लाताल के इख्तियार करें। मैं कहता हूँ अपने अगले 20 सालों में हम अच्छी पोजिशन पर। बड़ा वाइज थॉट है, हमने 17 साल पहले ये बात कही थी तो मैं भी कहता रहा हूं लेकिन कोई सुनता नहीं, हमारे कोई सुनता नहीं। मतलब वी आर आपको डॉलर से निकल के चाइनीज यूआन के ऊपर आ जाए, आप स्टेबल भी हो जाएंगे, आपको और भी किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि ये जो आपका जो बजट जिसकी अभी डॉक्टर साहब ने कहा था ना डायरेक्टली, लेकिन बिल्कुल बात सही है कि बजट वहीं से आता है बन के, वो सिर्फ आपको प्रेजेंट करना होता है। वेल थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक निश्चित तौर होगी, आपने बड़े खुलकर बात की है और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने बड़े मुख्तसर और जाम अंदाज में गुफ्तगू की है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी तवील बहस हो सकती है और इंशाल्लाह करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सुमर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।